नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की। इस समय गोकुल में इतना अच्छा माहौल है कि सर्वत्र देवता ही देवता विराजमान है। आप भ्रमतो न कृतम विष्णुम सर्वे देवस्तलोकम च पश्ये न दर्शिताम। नरहरिम निरोत्तमाय नारायणाम वर्षो यदने त्रपस्यो भूयंत राघवम। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि जिन्होंने परमात्मा को कभी नेत्रों से नहीं देखा वो सब देवता आज नेत्रों से निहारने गोकुल में पहुंचे हैं। आपको भी ये कथा समझ में आएगी। भगवान को कभी नेत्रों से देखा जा सकता नहीं है और कभी एक्स वाई जेड ये सिद्धांत फेल हो जाए और वास्तव में भगवान आ जाए धरती पर, तो मैं गारंटी से कहना चाहता हूं, चैलेंज से और बहुत आनंद के साथ, अगर परमात्मा को नेत्रों से एक बार भी देखने का मौका मिल जाए तो इस व्यक्ति से महान दुनिया का कोई व्यक्ति और हो सकता नहीं है। वैसे परमात्मा सोचने समझने की ही प्रक्रिया है, देखने दिखाने की प्रक्रिया नहीं है। तो हम कैसे खुश रहें भाई? भगवान दिखने वाला नहीं है तो हम खुश कैसे रहें? तो उसके लिए ही ये व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? अवतारी व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। मनुष्य के अंदर ही परमात्मा की छवि का दर्शन नेत्रों से आप कर सकते हैं। कैसे समझें कि इस मनुष्य में परमात्मा व्यापक है, ये मनुष्य भगवान है, हम कैसे समझें? तो उसके लिए सुनिए, यावतम कर्मम स्वभाव रीति करणो प्रवर्त त्रिवेद पुण्यम। जिस व्यक्ति का कर्म और जिस व्यक्ति का गुण ये तीनों समान हो वो परमात्मा है, उसे दूसरा कुछ भी समझने की जरूरत भूल मत करिए। अब सरलता से सुनिए, गुण कर्म स्वभाव जिसका एक हो वो ईश्वर, वो ही परमात्मा है। अच्छा, वो परमात्मा है तो सकल सामर्थ्यवान क्यों नहीं है? फिर वो हाथ से क्यों रोटी खा रहा है? वो तो रोटी खाता नहीं है परमात्मा, तो निस्त आहार विवत्तनम, परमात्मा रोटी का आहार नहीं करता है। अगर परमात्मा रोटी का आहार करता है तो अग्नि के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है, उनके मुख नहीं है। बिन पग चलत सुनत बिन काना कर विध कर्म करत बिदेना। ये भगवान तुलसीदास जी का है, ये तुलसीदास का भगवान है। अच्छा, मीरा जी का भगवान ऐसा नहीं है। मीरा जी का भगवान ऐसा है कि गोद में लेके घूम रही है मूर्ति को, और खाना खिलाती है तो वो खा रहे हैं, पानी पिलाती है तो वो पी रहे हैं, आंखें बोले तो टमटमाते हैं, बोलते हैं, ये उनके ऐसे भगवान है मीरा के। गोस्वामी तुलसीदास राम जी की बात करते हैं, मीरा श्याम की बात करती है, दोनों ही प्रमाणिक। मीरा का भगवान बोलता चलता है और पत्थर की मूर्ति है, राजस्थान से लाई थी, संग में ही बचपन से लेके घूमती थी। बहुत सारी महिलाएं हमारी कथा में भी लाती हैं गोपाल जी को छबड़िया में रख के, पर ये मीरा नहीं है, ये नकली मीरा। प्याज लहसुन छाप, कौन सी छाप? हाँ, इनको कोई संकोच नहीं है भल्ला खाने में, ठेला पे खड़े होकर ये समोसा भी सटक रही है, गोपाल जी रखे हलवाई की दुकान पे। और सुनो, इतने से कम नहीं चलेगा, पूरा ही बता के मानूंगा। जो झूठे दोने हैं ना सातों जात के, उनकी मक्खी उड़ के गोपाल जी पे बैठी है और भगतानी चटाचट समोसा चाट रही है। मीठी चटनी ज्यादा डलवा ली है इसलिए लपी पड़ी है उंगलियां। इन नकली भगतानियों ने गोपाल कृष्ण की ऐसी तैसी कर रखी है,
इनको जहां मन आवे वहीं टेक दें भगवान को। अच्छा हमने कहा लेके क्यों घूम रही हैं? तो कहा पंडित जी ने बताया है कि भगवान को अकेला घर में नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी कह रहे हैं वो इतने छोटे हैं अकेला मत छोड़ो, साथ ही लेके रहो, पर नियम तो निभाओ। मीरा तो नियम निभाती थी वृंदावन की सखियों, जो मीरा करती थी वो महिलाएं भी कर रही हैं आज भी परिक्रमा में। सुबह से कितनी महिलाओं की गोद में गोपाल लड्डू बैठे थे, अमावस्या की परिक्रमा दे रही थी, और जहाँ जहाँ प्रसाद मिल रहा, दूध बट रहा, पूड़ी बट रही, वहाँ पर भी बिना लिए मानती। गोपाल जी के लिए गिलास नहीं लिया, मैंने दिया आज कई महिलाओं को, मीठा ठंडा बर्फ वाला वहीं फेंक दिया, कप गिलास वहीं फेंक दिया। गोपाल जी कह रहे होंगे कि दुनिया के जितने भगत हैं वो परिक्रमा को कृष्ण मानते हैं, राधा मानते हैं, और इसने झूठा गिलास कृष्ण के मुंह पे मारा है। बोलिए, परिक्रमा का मतलब समझते हैं? परिक्रमा के अंदर कण कण कृष्ण है, इसलिए लोग लेट के परिक्रमा लगाते हैं, चाट के परिक्रमा लगाते हैं, एक भी कण अपने साथ मिल जाए इसलिए लोग नंगे उघाड़े परिक्रमा दे रहे हैं। और वहाँ कोई थूक रहा है, कोई झूठा गिलास डाल रहा है, कोई दोना डाल रहा है, ऐसे निकम्बों की वजह से तीर्थ का सर्वनाश हुआ चला जा रहा है। अच्छा माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हूँ, और बिल्कुल माफ मत करो, मेरे का बिगाड़ लेंगे तुम। तुम तुम्हारे घर और हम हाँ। रही बात दक्षिणा की, तो गुड्डी ना चढ़ावेगी तो सुनीता तैयार बैठी है, एकाद को बुरा लग भी जाएगा तो चार छह प्यार वाली रोज बढ़ती है।